हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाई है। देखिए कितनी अच्छी और मज़ेदार लग रही है। इसे हम जब भी चाहे बना सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। ये बहुत इजीली और मिनटों में बन जाती है। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ फ्राइड राइस बनाना। हम आज इंडियन स्टाइल में फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। हमें चाहिए इसके इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको बता देती हूँ झट से। देखिए मैंने हाफ के जी राइस लिए थे, उन्हें अच्छे से 90% तक कुक कर लिया है और उन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। और हमें मसालों में चाहिए 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, एक बाउल मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 4 टमाटर लिए हैं, एक बड़े साइज का ऑनियन अच्छे से चॉप कर लिया है, और एक लेमन चाहिए हमें, और 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया का पाउडर लिया है, थोड़ा सा चिकन मसाला, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। ये सारे मसाले आपके घर में होते ही हैं, इसीलिए आपको ये फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस बनाने में बहुत आसानी होगी। मैंने कोई भी सॉस वगैरह बिल्कुल नहीं लिया है। ये देखिए हमें फ्राइड राइस बनाने के लिए ऑयल लिया है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए मैंने एक पैन को रख लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, और मैं ऑयल डालूँगी इसमें। हमारे चिकन फ्राइड राइस को बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल हमें ज़्यादा ही लेना चाहिए। मैंने 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल लिया है इसमें। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें हमारी ये सारी कटी हुई प्याज इसमें डाल लूँगी, और इसे अच्छे से चलाती रहूँगी कि लाइट गोल्डन ना हो जाए। इसे हमें लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से इसे चलाते हुए हम प्याज को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। मैंने फ्लेम को हाई रखा है ताकि हमारी प्याज जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए हमारी प्याज अभी हो ही रही है, 1 मिनट तक और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए चम्मच को। देखिए हमारी प्याज अब थोड़ा सा हो चुकी है, लाइट कलर में आ चुकी है। हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, 1 मैंने बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। इसे अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन को, इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। मैं अच्छा सा इसे भूनते हुए हमारे जो चिकन है छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ, 1 बाउल चिकन लिया था मैंने, उसे अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लूँगी, ये अच्छे से मसाले में भून जाए। मैं अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, वरना हमारे डिश में चिकन की स्मेल आएगी। इसे अच्छे से ऑयल में भून लेंगे चिकन को। अच्छे से चलाते हुए मैंने 1 मिनट तक इसे भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। देखिए 1 कटोरी मैं टमाटर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालूंगी। डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक लूँगी, टमाटर अच्छे से गल जाए और हमारा चिकन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए 1 मिनट हो चुका है, अब मैं निकाल लूँगी उसका ढक्कन और चेक करूँगी। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से हो चुके हैं और चिकन भी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालूँगी। और जो मैंने गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला रखा था, वो भी मसाले इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए भूनूंगी।
इसका ऑयल अच्छे से निकल आए तब तक इसे अच्छे से भूनूंगी। मैंने इसमें कोई भी सॉस कुछ भी बाहर का नहीं यूज़ किया है, घर के ही मसाले हैं। ये सब बहुत हेल्दी है, आप कभी भी आपका मन चाहे आप बनाकर इसे खा सकते हैं। चाहे आप डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, आप बचे हुए चावल का भी इस तरह से चिकन फ्राइड राइस बनाकर खा सकते हैं। हम कभी भी चावल बनाते हैं थोड़ा सा बच जाता है, तब हम ऐसे फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस बनाकर खा सकते हैं। देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन डालूंगी। मैं एक लेमन डाल रही हूँ। देखिए मैंने एक लेमन डाल लिया है इसमें, अच्छे से इसे थोड़ा सा चला लूँगी। अब आ जाती है हमारे चावल की बारी। चलिए हम इसमें डाल देते हैं हमारे सारे चावल जो हमने 90% तक कुक कर कर रखा था। ये सारे चावल इसमें मैं डाल दूँगी धीरे से। ये 1/2 kg मैंने राइस लिए थे, एक बॉल चिकन लिया था। आप जितना चाहे उतना चिकन ले सकते हैं, क्वांटिटी में कुछ ये नहीं होगा, आप जितने भी चावल ले सकते हैं, जितना भी आप जितना मन करता है उतना चिकन भी ले सकते हैं। मैं इसे अच्छे से भून लूँगी नीचे से मसाले को मिलाते हुए हमारे। देखिए मैं अच्छे से सारे राइस इसमें मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से नीचे से ऐसे हिलाते हुए हमें राइस को अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को हाई रखा है मैंने, जब चावल डाल रही थी तब लो पर ही रखा था, अभी मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है। हाई करते हुए अच्छे से मैं भून रही हूँ। जब हम चावल मिक्स करते हैं तब फ्लेम को लो ही रखना है, जब हम चावल को मिलाते रहते हैं तब तक हमारे चावल नीचे जल जाते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा लो पर ही रखना है। अब सारे राइस इसमें अच्छे से मिल चुके हैं तो मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है। देखिए अच्छे से अच्छा गर्म होने तक भूनूंगी, थोड़ा अच्छा सा गर्म हो जाए। देखिए हमारे राइस अच्छे से गर्म हो चुके हैं और कितने खुले खुले बने हैं। देखिए आप भी ऐसे बनाइए घर पर और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी, और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।